गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं ललन सिंघानिया आज आप लोगों का अपना ही चैनल ललन रेफ्रिजरेशन के यूट्यूब चैनल पे मैं फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो में हम आप लोगों से मिले हैं और यह वीडियो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 के लिए है। जो बच्चे मैट्रिक की परीक्षा 2023 में देने वाले हैं उनके लिए यह स्पेशल वीडियो होने जा रहा है। और वैसे बच्चे जो खासकर गणित में प्रॉब्लम कर रहे हैं, मैथ्स में प्रॉब्लम हो रहे हैं, गणित यानी इधर मैथ इंग्लिश और हिंदी जो गणित के एग्जाम में यानी मैथ के एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, उनको समझने में जानकारी हो रही है कि सर कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, सर सिलेबस क्या होगा, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, सर कितना नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, कितना लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और कितना शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, सर क्या क्या पढ़ना है, तो यह सभी चीजों की जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। तो जो भी हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वह चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी नया वीडियो हम लोगों का लोड हो वह आप तक नोटिफिकेशन जाए और जो आपके आसपास में जो बच्चे हैं उन्हें भी शेयर कर दीजिए ताकि उन तक भी जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बात को समझिएगा कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023, सबसे पहली बात, जो बच्चे मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी करते हैं उसको मैथ में पढ़ना क्या क्या है, तो उसके लिए एक मैथ का बुक मिलता है मार्केट में और उसमें देखिए यहाँ चैप्टर 1 लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके यहां तक जो है ना ये 15 चैप्टर लिखा हुआ है। कितना चैप्टर है? 15 चैप्टर, यानी 15 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसको लिख लीजिए। दूसरा चैप्टर है बहुपद। तीसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो ये जो वास्तविक संख्या को पहले समझिए, वास्तविक संख्या में हम लोग वास्तविक संख्या से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से समझिएगा, वास्तविक संख्या से 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, सर इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो बाबू रे यही वास्तविक संख्या में एचसीएफ एलसीएम निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, √3 एक अपरिमेय संख्या है इसको सिद्ध करते हैं, शांत दशमलव अशांत दशमलव अशांत अनावर्ती यह सबको जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे, तो यह 10 नंबर का क्वेश्चन इससे पूछता है। दूसरा चैप्टर है बहुपद। बहुपद में हम लोग एक्स स्क्वायर घातांक निकालेंगे, पावर को देखेंगे, दो पदों का योग निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस अंतर निकालेंगे बीटा का, फिर जो है गुणनफल निकालेंगे। तीसरा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें हम लोग दो एक्स का मान निकालते हैं जिसमें एक्स और वाई का मान निकालते हैं, इसको सॉल्व करने की 3 विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में हम लोग जो है ना x का वैल्यू निकालते हैं, इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या पता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि और द्विघाती सूत्र, इससे करके न्यूमेरिकल बनाएंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। 5 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी जिसको एपी कहते हैं, इसमें an का वैल्यू निकालेंगे, an के पदों का योग निकालेंगे, कितने पद तक हैं, एक सीरीज देखेंगे कि सीरीज जा रही है तो कहां तक जाएगी, तो ये 2 नंबर से 5 नंबर तक जो है ना इससे 20 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इससे कितना नंबर का, 20 नंबर का। बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणी, इससे 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब चलिए निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है, ग्राफ पेपर पे जो हम लोग करते हैं इसमें हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे,
बिंदु संरेखी है कि क्या है, आयत प्रूफ करेंगे, वर्ग प्रूफ करेंगे बिंदु से द्वारा, तो इससे भी जो है ना 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। त्रिकोणमिति का परिचय, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, यह बहुत ही सुंदर चैप्टर है इस पूरे बुक का, क्लास 10th यानी मैट्रिक का बहुत ही सुंदर चैप्टर है। इसमें हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, स्क्वायर वगैरह पूरी अच्छी से जो हम लोग इसको पढ़ेंगे। और यह जो है त्रिकोणमिति, आठवां चैप्टर जो है वह है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हम लोग साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सबका वैल्यू निकालेंगे और इसमें त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग है। तो जस्ट त्रिकोणमिति साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा का उल्टा, ये दोनों से भी मिला के 20 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और जो बच्चे त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री अगर पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा त्रिकोणमिति पढ़ाया गया है। इसका पार्ट 1 से लेके पार्ट 20 तक यानी 20 वीडियो लोड है, पूरा एग्जाम्पल से लेके बेसिक से लेके कॉन्सेप्ट तक। आप जो है आप लोग इस वीडियो को जाके मेरा प्लेलिस्ट में जाइए, आपको मिलेगा और पूरी त्रिकोणमिति अच्छे से खत्म कर दी गई है। अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज और वृत्त और रचनाएं। त्रिभुज में क्या है सर, इसमें आप लोगों को प्रमेय पढ़ना है, वृत्त में भी वृत्त से संबंधित प्रमेय पढ़ना है और उसको प्रूफ करना है। रचना में हम लोग पढ़ेंगे रचना, ग्राफ कंस्ट्रक्शन, कंपास से जो है रचना बनाएंगे, तो इससे भी जो है ना इससे भी 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए देख लेते हैं 10 नंबर 20 नंबर 30 नंबर 10 नंबर 40 नंबर 20 नंबर 60 नंबर 20 नंबर 80 नंबर, ठीक है। एक मिनट, 10 20 30 10 40 20 60 20 80, ये जो वृत्त वाला जो क्वेश्चन है इससे और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त से बारे में पढ़ेंगे। 12 नंबर, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी सब का क्या निकालना है, क्षेत्रफल। और 13 चैप्टर में कहता आयतन, आयतन हम लोग निकालेंगे, तो ये दोनों से भी जो है 10 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। 14 चैप्टर में है सांख्यिकी, सांख्यिकी क्या होता है सर, कोई आंकड़ा दिया हुआ है, कोई आंकड़ा में से जो है माध्य निकालना है, माध्यक निकालना है, बहुलक निकालना है, तो इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन सांख्यिकी में पढ़ते हैं। अब प्रायिकता को हम लोग समझेंगे, प्रायिकता क्या होता है, कोई सिक्का को उछाल दिए, अब हेड आएगा कि टेल आएगा, है ना। कोई ताश का जो है ताश खेलते हैं तो ताश में बेगम आएगी कि बादशाह आएगी, लूडो की गोटी में छग्गा आएगा, कि ये सब चीज को हम लोग प्रायिकता में पढ़ते हैं, तो इससे भी रिलेटेड जो है 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सिलेबस है कि मैट्रिक की परीक्षा में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन चैप्टर को पढ़ना है। जो भी बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं मैट्रिक की, गणित की, क्लास 10th मैथ की तैयारी ऑनलाइन माध्यम से, तो आप इसको जो है इसको देखिए, इसको नोट कर लीजिए और हमारे YouTube चैनल से जुड़िए, आपको सारा वीडियो मिलेगा, है ना। चलिए आप इसको नोट कीजिए, मैं मिटा के, ये सिलेबस था, मैंने सिलेबस बताया, अब आप लोग पैटर्न को समझिए कि पैटर्न में क्या पढ़ना है, तो जल्दी से इसे नोट करें, फिर मैं पैटर्न बताता हूं। चलिए अब हम लोग जो है ना बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में जो मैथ की एग्जाम होगी, मैट्रिक का एग्जाम में जो आपका मैथ का परीक्षा होगा, तो उनसे रिलेटेड क्या क्या पैटर्न होगा, कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा मैथ में। होता क्या है ना, बच्चे लोग क्वेश्चन पूछते हैं सर मैथ में कितना ऑब्जेक्टिव आएगा, और सर मैथ में कितना सब्जेक्टिव आएगा, दो बातें क्या क्या, सर मैथ में कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा,
सर मैथ में कितना सब्जेक्टिव पूछेगा, क्या पैटर्न होगा सर मैट्रिक परीक्षा मैथ का, तो उन सब चीजों को हम लोग इसमें समझेंगे। बाबू रे टोटल मैथ में जो परीक्षा होती है ना वो टोटल 100 नंबर की परीक्षा होती है। कितने नंबर की? 100 नंबर की परीक्षा होती है मैथ में। ऑलवेज है यार, हर सब्जेक्ट में 100 नंबर की होती है, ये कोई नया थोड़ू ना है। 100 नंबर में आपको 30 नंबर लाइएगा तभी आप पास कीजिएगा। 30 नंबर अगर 100 में 30 नंबर से कम हो जाएगा तो आप मैट्रिक परीक्षा मैथ के पेपर में फेल कर जाइएगा। यानी 100 नंबर की परीक्षा होगी तो आपको कम से कम 30 नंबर लाना आवश्यक है। समझ गए इस बात को? तो ये रहा पास और फेल। आप अधिक जितना ला सकते हैं, जितना अधिक लाइएगा आपका उतना रिस्पॉन्स रिजल्ट बनेगा, है ना। तो मैथ के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है और सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव आपको 50% ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 50% सब्जेक्टिव पूछेगा। यानी 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है और 50 नंबर का सब्जेक्टिव पूछता है मैट्रिक परीक्षा में, मैथ में। अब एक बात देखिए, पिछले 2 साल से कोरोना का पीरियड था, तो कोरोना का पीरियड में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव पूछता था। 100 बनाना कितना था? 50 ठो। 100 पीस ऑब्जेक्टिव में 50 पीस ऑब्जेक्टिव बनाना था या कोरोना का पीरियड में। इस बार क्या हो सकता है? इस बार तो कोरोना नहीं है, तो हो सकता है आपसे 100 ही पूछे या 100 नहीं पूछ के 60 पूछे। या तो 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा या तो 60 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लेकिन बनाना कितना है? 50 पीस ऑब्जेक्टिव। एक ऑब्जेक्टिव तो एक नंबर का, तो ये 50 को 1 से गुना कर दो तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपको पूछेगा मैट्रिक परीक्षा में। समझ गए बात को? या तो 100 पूछेगा या तो 60 गो पूछेगा, बनाना हमको 50 गो है। अब 50 गो बनाएंगे तो एक एक नंबर का, तो हमको ऑब्जेक्टिव हो गया 50 नंबर का। कितना हो गया ऑब्जेक्टिव? 50 नंबर का। अब देखिए दो बातें होती है, सब्जेक्टिव पूछेगा। सब्जेक्टिव में शॉर्ट क्वेश्चन होता है और लॉन्ग क्वेश्चन। तो आइए आपसे शॉर्ट क्वेश्चन कितना पूछता है हम लोग समझते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन पिछले साल जो है लॉकडाउन में 30 पीस पूछा था। शॉर्ट क्वेश्चन 30 पीस बनाना था आपको, कितना पता है? 15। लेकिन इस साल तो लॉकडाउन नहीं है, तो इस साल हो सकता है आपसे 18 क्वेश्चन पूछे, 30 पूछे या 18 पूछे, लेकिन बनाना आपको 15 गो है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है, तो ये 2 नंबर हुआ तो 15 × 30 नंबर इधर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन जो है, लॉन्ग क्वेश्चन आपसे टोटल 8 गो पूछता है। 8 गो, कितना गो? 8 गो। 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे 8 पीस पूछेगा, बनाना आपको 4 पीस है। कितना बनाना है? 4 पीस। और यह एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा लॉन्ग क्वेश्चन, तो 5 चक हो गया 20। तो हो गया ना, जोड़िए ना, 50 ऑब्जेक्टिव, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 30 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन और 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन, तो 50 30 80, 80 20 100 नहीं हुआ तो 100 नंबर की आपकी मैथ की परीक्षा होगी। समझ गए बात को? यह हुआ 100 नंबर की मैथ परीक्षा आपको एग्जाम में होने वाला है, जिसमें से आपको 30 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 30 नंबर नहीं लाएंगे तो आप एग्जाम में फेल कर जाइएगा, आपकी जो है रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगी। समझ गए? तो यह था पैटर्न। हम लोगों ने सिलेबस बताया और हम लोगों ने पैटर्न बताया। तो जो बच्चे सिलेबस को समझिए, पैटर्न को समझिए और तैयारी कीजिए। अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग ललन रेफ्रिजरेशंस के YouTube चैनल पे जुड़ जाइए और हमारा सारा प्लेलिस्ट में वीडियो जो
लोड होते जाता है, आप लोग देखते जाइए। त्रिकोणमिति का वीडियो लोड है, समांतर श्रेणी का वीडियो लोड है, बीबीआई क्वेश्चंस 2023 के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है उसका वीडियो लोड है। हम लोग इंटरमीडिएट की भी तैयारी कराते हैं, 11th और 12th की भी तैयारी कराते हैं, तो सारा कुछ मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। लेकिन स्पेशल फॉर मैथ के लिए, सिर्फ मैथ के लिए हम लोगों ने तैयारी किया है। थैंक यू सो मच, आप लोग इसको नोट कीजिए। थैंक यू सो मच।